हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन द मिशन डॉलर मार्केट में आपका फिर से स्वागत है। मैं सोनी डिजिटल मार्केटर। आज हम आ गए ब्लॉगिंग मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में, लेसन 17, हाउ टू इंस्टॉल ब्लॉग थीम इन वर्डप्रेस, यानी कि वर्डप्रेस में ब्लॉग थीम को कैसे लगाएं, आज इसके बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे। हमने पहले बात की थी लेसन 16 में कि किस तरह से हम ब्लॉग पेज को मैनेज कर सकते हैं। आज का हमारा कम्प्लीटली टॉपिक यही है कि किस प्रकार से हम ब्लॉग थीम वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके साथ ही हमारा ब्लॉग जो है अलग अलग वर्डप्रेस थीम्स के साथ यहाँ पे शो होने लगेगा। तो चलिए इन सभी के बारे में हम थीम को बात करेंगे, और कम्प्लीटली जैसे हमने बात करी थी पोस्ट के बारे में, जिसके बाद हमने बात की थी पेज के बारे में, आज कम्प्लीटली बात करेंगे किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं ब्लॉग की थीम्स को हमारे वर्डप्रेस में, जिससे ये होगा कि नए नए ब्लॉगर्स, अलग अलग रीडर्स जो आएंगे वो हमारे ब्लॉग को देखेंगे और कम्प्लीटली उन्हें एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक मिलेगा नए नए थीम्स के साथ में। तो उन्हें यहाँ पे हाईली बेनिफिशियल हम बोल सकते हैं कि एक हमारा कस्टमर रिटेंशन एरिया जो है यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो चलिए इन सभी के रिलेटेड हम किस तरह से अपने ब्लॉग की थीम्स को अपडेट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में प्रैक्टिकली जानेंगे और चलते हैं हमारे yourautoro.com के ब्लॉग में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए हैं गूगल पे और यहाँ पे हम जब सर्च करेंगे हमारे yourautoro.com, देन इसके बाद हमारे लॉगिन आईडी के साथ पासवर्ड के साथ इसके बाद हम कम्प्लीटली हमारे वर्डप्रेस लॉगिन पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही आप देख पाओगे कि इस तरह से हम यहाँ पे थीम का यूज कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे भाई किस प्रकार की थीम्स यहाँ पे लगी हुई है, और ये पूरी तरह से आप देखोगे यहाँ पे आर्टिकल चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको, यानी कि कोई भी पर्सन या कोई भी यूजर्स हमारी थीम्स को देखेगा या हमारे ब्लॉग को देखेगा तो उसे अलग ही अट्रैक्टिव थीम्स यहाँ पे दिखेगी। ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें कि बहुत से अगर हम सर्च भी करें तो जैसे बात करते हैं हम एक ब्लॉग को सर्च करते हैं जिसका नाम बहुत ही पॉपुलर है और आप सभी लोगों ने शायद देखा भी होगा हिंदी में करके, और हिंदी में करके हम जैसे सर्च करेंगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन खुल जाएगा, और देन जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो टाइटल्स दिख रहे हैं आपको एज ए न्यूज लेटर के शो में थीम्स यहाँ पे नजर आ रही है। तो सभी ब्लॉगर्स अलग अलग थीम का यूज करते हैं एज ए रीडर्स को अट्रैक्टिव लुक में देने के लिए, और साथ ही साथ एक बढ़िया वे में प्रेजेंटेड करने के लिए लोगों को अपने सामने एक बढ़िया तरीके से बताते हैं, अपने व्यूअरशिप के बारे में बताते हैं, और लोगों को साथ ही साथ यहाँ पे डिटेलिंग दी जाती है अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप HMJ देख रहे हैं, यानी कि हिंदी में देख रहे हैं जानकारी, और देने के साथ यहाँ पे किस तरह से उन्होंने अपने ब्लॉग को डिजाइन किया है, किस प्रकार की थीम्स का यहाँ पे यूज किया है। इसी के साथ अगर हमारी थीम्स को देखा जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट और अलग है, और यहाँ पे जो टॉप स्टोरी जो चलती जा रही है तो ये हमने पूरा एज ए न्यूज लेटर्स के थीम पे रखा हुआ है, तो आप कम्प्लीटली समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पे न्यूज थीम्स काम करती है। तो चलते हैं वर्डप्रेस पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि किस प्रकार से हम अपने भी वर्डप्रेस पे या अपने ब्लॉग पे भी अलग अलग थीम्स लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम आ गए हमारे वर्डप्रेस पर, देन इसके बाद ही आप देखोगे तो कम्प्लीटली समझोगे कि यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि डैशबोर्ड है, गूगल साइट किट है, देन इसके बाद ए टू ऑप्टिमाइज जेट पैक है, पोस्ट मीडिया पे इसके बारे में हमने बात की थी, देन एप्रीसियंस प्लगइन्स, और इस तरह से अगर हम बात करें कि थीम्स का ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है तो एप्रीसियंस में आपको थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हम जैसे ही एप्रीसियंस पे जाएंगे यहाँ पे थीम आएगा तो हम इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे, और जैसे हम इसे न्यू टैब में ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा एक्टिव कॉन्सेप्ट, हमारा न्यूज कार्ड जो है एक्टिव है, यानी कि हमारे ब्लॉग पर जो चल रही थीम जो चल रही है वो है न्यूज कार्ड, जिसे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ ही हम वर्डप्रेस में और भी चीजें देख सकते हैं, अलग अलग थीम्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसे कि सिंतारा की बात करें तो ये पूरी तरीके से हम देख सकते हैं डिफरेंट वे में यहाँ पे है ब्लॉग, और देन इसी के साथ ही अगर 2019 की हम बात करें तो इस तरह से यहाँ पे ब्लॉग दिखने लगता है, और इसी के साथ ही और भी बहुत से हमें थीम्स मिल जाएंगे, जैसे कि 2017 हो गया, या फिर 2020 हो गया, देन 2021 हो गया, तो अलग अलग थीम्स के अपने नाम के हिसाब से यहाँ पे शो होती है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो 2023, यानी कि कुछ आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इधर से दिखाई देगी, देन आपके ब्लॉग यहाँ से दिखाई देने लगी है। इसी के साथ ये अलग थीम्स के यूज अपने होते हैं, और देन इसी के साथ आप देखोगे तो 2022 में इस तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। तो ये बहुत ही न्यू थीम्स भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और कम्प्लीटली आप देख पा रहे हो किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग थीम्स हमें यहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं और भी कौन कौन सी नई नई थीम्स है जो हमारे ब्लॉग के लिए है, जब नए ब्लॉगर्स के लिए थीम्स की यूज की जाती है, तो हम इस पर टैप करेंगे और आप देख पाओगे कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे चीजें आपके सामने शो होने लगेंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा था, हमने इससे पहले इंस्टॉल करके देखा था हमारे ब्लॉग में 2023 को, या 2022 को भी हमने इंस्टॉल करके देखा था, बट हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल करके नहीं देखा था। तो आप इजीली तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो और अपनी थीम्स पर आप इसे सेट कर सकते हो। देन इसी के साथ ही हमने यहाँ पे 2021 को भी इंस्टॉल करके देख लिया, अस्टारा को नहीं करके देखा, आप चाहे तो डिटेल्स एंड प्रीव्यू भी इसको देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रीव्यू को ऑप्शन करते हैं, यहाँ पे किस तरह से चीजें शो हो रही हैं।
तो आप देख पाओगे यहाँ पे डिटेल्स एंड प्रीव्यू जो है उसके बारे में आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं, अलग अलग चीजें की हमें यहाँ पे मिल जाती है। देन इसके साथ ही HTML से लेकर लिंक्स, कैटेगरी, हिटरची, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए हम वापस बैक करते हैं, देन इसके बाद हम देख पाएंगे कि हमने 2020 को भी देखा था, इंस्टॉल किया था। तो इस तरह से हम जो भी चीज इंस्टॉल करते हैं वो हमें पहले से होती है, फिर हम एड न्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे एक नई बहुत सारे थीम्स हमें मिल जाएंगे हमारे ब्लॉग के लिए। एक ब्लॉग की आइडेंटिटी की पहचान के लिए थीम्स बहुत जरूरी हो जाती है। इस थीम से लोगों को पता चलता है कि आपका ब्लॉग किस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या फिर किस तरह की प्रोडक्ट सर्विसेज की सर्विसेज के बारे में हमें जानकारी या इन्फॉर्मेशन एज ए रीडर्स को देता है। तो ये थीम्स बहुत डिपेंडेबल होती है आपके ब्लॉग के लिए। तो आपको हमेशा चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी थीम्स आपके ब्लॉग के हिसाब से सूटेबल है। एज ए सिंपल में अगर मैं बोलूं, अगर आप सिर्फ फास्ट फूड से रिलेटेड या फिर आप सिंपल सी बात करें हेल्थ से रिलेटेड अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको उस हिसाब से थीम्स को चूज करना चाहिए, ना कि आपको डिफरेंट वे में यूज करना चाहिए। आप पता चले आप ट्रेवलिंग से रिलेटेड थीम्स का यूज कर रहे हैं तो ये डिफरेंट वे में देखा जाए तो कंडीशनल जो है वो अलग तरीके से होगी। तो इस तरह से चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। देनेसी के साथ ही आप देख पाओगे कि आपके ब्लॉग की नीड क्या है, उस हिसाब से आप थीम जितना बढ़िया रखोगे उतना ही बढ़िया चांस होंगे नए नए रीडर्स आपके पास आएंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो 2029 पॉपुलर फैक्ट्स जो है बहुत ही पॉपुलर है, जिसका सबसे ज्यादा ब्लॉगर्स का यूज करते हैं। और इसी के साथ ही आप देखोगे तो अलग अलग आपने देखा भी होगा कि अक्सर नए नए ब्लॉगर्स को अलग अलग कंटेंट के हिसाब से थीम्स के हिसाब से यहाँ पे अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉट ऑफ थीम्स यहाँ पे मिल जाएंगे एज ए वर्डप्रेस में, और यहाँ पे आप समझ पाओगे कि किस तरह से यहाँ पे चीजें जो हो रही हैं हमारे थीम्स के लिए सो होती हैं। तो जैसे हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो धीरे धीरे और भी चीजें यहाँ पे क्लियर होने लगेंगी और हमें डिफरेंट डिफरेंट वे में थीम्स मिलने लगी। तो मैं यही कहूंगा कि आप जिस भी प्रकार की थीम्स का यूज कर रहे हैं उसके बढ़िया तरीके से जाने, उसके बारे में डिटेल लें, इसके बाद में प्रीव्यू करें। तो जैसे हम यहाँ पे प्रीव्यू भी करेंगे तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेलिंग समझेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे किस तरह से हमारे ब्लॉग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। देन इसके बाद ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे। हम इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ चीजों को सेट करना होता है, देन इसके बाद ऑटोमेटिकली इस तरह से हमारा चीजें शो होने लगती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो न्यूज मैंड में इस तरह से हमारा यहाँ पे नाम आ जाएगा और देन इसके बाद हमारे पेज के बारे में अवॉर्ड आ जाएगा, हमारा जो भी टाइटल या हम बोल सकते हैं हमारे पेजेस के बारे में जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर्स में लेफ्ट साइड में बताया था। देन इसके साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी स्टोरीज रिलेटेड अलग चीजें यहाँ पे सॉ होने लगती हैं। तो इस तरह से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट थीम्स वर्क करती हैं, आपको जो भी थीम्स अच्छी लगती हैं आप उनको यूज कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे न्यूज लेटर वाला करा था, देन इसी तरीके से हमारी चीजें यहाँ पे सॉ होने लगती हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, जितनी आप एक्सप्लोर करोगे, जितनी ज्यादा आप जानोगे, जितनी आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत सारी थीम्स यहाँ पे प्रोवाइड होने लगेंगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट में देख सकते हो। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कलर मग में किस प्रकार की यहाँ पे 5 स्टार्स को मिले हुए, रेटिंग अच्छी मिली हुई है, यहाँ पे किस तरह से हमारा कंटेंट हो सकता है। तो आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एडवर्टाइजिंग इधर आ जाएगी, हमारा यहाँ पे नाम आ जाएगा ब्लॉग का और इस तरह से हमारे पेजेस के टाइटल्स यहाँ पे आ जाएंगे। देन इसके साथ ही हमारे ब्लॉग जो भी हो रहे हैं वो यहाँ पे आने लगेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम अपनी थीम्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन चलते हैं वापस ऊपर और यहाँ पे समझते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हैं इसे हमारे समझने के लिए। तो आप चाहें तो अपलोड थीम्स कर सकते हैं, अगर आपके पास खुद की ऐसी थीम्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, आपने कहीं से परचेज की है तो आप यहाँ पे फाइल को चूज करके और कम्प्लीटली अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पे थीम्स को अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। देन इसके साथ ही चलिए हम नीचे और समझते हैं स्क्रॉल करके। तो यहाँ पे बोला गया है पॉपुलर, देन लेटेस्ट कौन सी चल रही है यहाँ पे एज ए वर्डप्रेस की, तो ये भी सर्विसेस हमें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि सबसे लेटेस्ट जो है ब्लॉग की थीम्स चल रही है वो चल रही है पैराब्लॉग, डुअल, बहुत सा ब्यूटी शॉप चल रही है। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टेटर, स्टेटस और वेब डिजाइनर, एलिमेंटर मिल जाएगा, ब्लॉग स्टाइल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से आप चीजों को देख पा रहे हो किस प्रकार से हमें यहाँ पे अपने ब्लॉग की थीम्स हमें यहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, देन इसके बाद हमें सभी चीजों को अपडेट करना होता है और ये पूरा हमारे ब्लॉग के लिए बहुत ही सुटेबल हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कौन से ब्लॉग के लिए आपकी थीम सुटेबल होगी, क्योंकि बार बार थीम चेंज करना एज ए नए नए रीडर्स को भी प्रॉब्लम आती है, वो आपके ब्लॉग के बारे में नहीं समझ पाते। तो आपको एक कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी बनाने के लिए एक बढ़िया तरीके से थीम्स का यूज करना चाहिए, देन इसके बाद उसे ही बराबर रनिंग करते रहना चाहिए। इसी के साथ ही आप ब्लॉग थीम्स की बात कर सकते हैं कि ब्लॉग का थीम्स हम किस प्रकार से रख सकते हैं, फेवरेट क्या है, आप अगर आपने अपने कुछ फेवरेट लगा रखे हैं तो आप फेवरेट पे जाके कर सकते हो या फेवरेट ही फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको किस प्रकार का ब्लॉग चाहिए। तो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाएगा, फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें हमें ब्लॉग के लिए चाहिए, अब ब्लॉग में फीचर्स कौन कौन से चाहिए तो हम ये सभी चीजों को देख सकते हैं। एडिटर स्टाइल में चाहिए, कस्टम लोगों में चाहिए, या हमें लेआउट कैसे चाहिए, 2 कॉलम्स का, 3 कॉलम्स का, 4 कॉलम्स का, 1 ग्रिड लेआउट चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे टॉपिक दिया एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, फूड एंड
ड्रिंक, हॉलीडे, न्यूज, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें सोनी, चलो हम इसे डिफरेंट वे में आपको इसे डेमो के हिसाब से समझा देता हूँ। जैसे कि हमने सब्जेक्ट चूज कर लिया हमारा ब्लॉग का और हमें यहाँ पे अपनी ब्लॉग की थीम्स चाहिए। अब इसके साथ ही हमने ब्लॉग की थीम तो चाहिए, हमें किस तरह की चाहिए हमें फीचर्स को बताना होगा। तो हम चाहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी रेडी हो जाए, देन इसी के साथ कस्टम बैकग्राउंड हमें मिल जाए। अब लेआउट किस तरह से हमने ग्रिड लेआउट कर लिया, अब जैसे कि हमने यहाँ पे फिल्टर आउट कर लिया और अप्लाई फिल्टर करेंगे तो हमें उसी हिसाब से, यानी कि वर्डप्रेस के जो एल्गोरिथम है वो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे अपने रिजल्ट शो करेगा, उसी हिसाब से थीम्स को हमें दिखाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फीचर्स फिल्टर करे थे कि हमें इतने सारे हम देखे थे तो हमें उसमें कन्फ्यूज हो रहे थे कि हमें कौन सा थीम्स हमें यहाँ पे डालना था, बट हमने अपनी कैटेगरीज बताई और देने से ही साथ फीचर्स बताए और उस हिसाब से हमने फिल्टर आउट लगाया, तो हमें हमारे हिसाब से यहाँ पे एक बढ़िया ब्लॉगर्स के लिए चीजें मिल जाती हैं, एज ए थीम्स हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे अलग अलग तरीके से थीम दी गई, डिटेल एंड प्रीव्यू में हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें 5 रेटिंग दी गई है और इसी के साथ यहाँ पे वर्जन बताया जा रहा है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए, इसी के साथ ही यहाँ पे थीम्स वर्क करने लगती हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे थीम्स हमारी इस तरह से शो होती, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लॉट ऑफ थीम्स मिल जाएंगे, ऑप्शंस मिल जाएंगे जिनका आप कम्प्लीटली अपने ब्लॉग की थीम्स में यूज कर पाओगे। इसीलिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके थीम्स में करना है, कस्टमाइज कर सकते हो आप उसको, वीडियोस कर सकते हो, मर्जेस और हेडर्स लगा सकते हो, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, ये सभी फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिलती है। तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेलिंग बता देता हूँ जिसके थ्रू आप कम्प्लीटली समझ पाओगे कि जब भी आप एक थीम्स लगा रहे हो तो एप्लीकेशन में जाके आपको और क्या क्या चीजों का देखना होगा, किस प्रकार से चीजों को समझना होगा। लेकिन इसी के साथ ही हम समझते हैं, तो जैसे थीम्स में भी आपके लिए कस्टमाइज हो जाता है, ऑप्शन का वीडियो टेस्ट का जाता है, मेन्यूज का जाता है, हेडर्स किस प्रकार से आप लगाना चाहते हो, बैकग्राउंड आप कौन सा लगाना चाहते हो, एडिशनल सीएसएस आपको मिलता है, अबाउट न्यूज कार्ड के बारे में जो भी हमने, जैसे कि न्यूज कार्ड का हमारा हमने यहाँ पे थीम्स लगाई है तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंस्टॉल प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन्स को, थीम फाइल एडिटर्स का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो अलग अलग थीम्स के हिसाब से हमें यहाँ पे सभी चीजें मिल जाती है, इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, हम कैनवा जैसे न्यूज कार्ड प्रो को भी अपडेट कर सकते हैं, इसी साथ कलर से लेके हम अलग अलग चीजों को भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलने लगते हैं। तो इस तरह से हम चीजों को चेंजेस कर सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं हमारे न्यू ब्लॉग पोस्ट पे। तो आई होप कि आप कंप्लीटली समझ गए होंगे किस तरह से हम यहाँ पे थीम्स को ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा किस प्रकार से आप ब्लॉग की थीम्स को चूज कर सकते हो, लेटेस्ट से लेकर आप फिल्टर आउट लगा सकते हो और अपने कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वे में थीम्स का यूज कर पाओगे। तो आई होप कि आप जरूर इसे प्रैक्टिकल करके देखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।